गाइज वेलकम बैक टू माई फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हो। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज ये मेरे स्किन पे ग्लो देखो, मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, नो क्रीम, और इस बार मैं थ्रेडिंग भी नहीं बनाई। मैं नवरात्रा आने से पहले ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत पेन होता है थ्रेडिंग बनाने में, और मेरी थ्रेडिंग बहुत लाइट है सो और ज़्यादा पेन होता है। और मैं अभी कुछ टाइम से आँखों में काजल लगाई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी फील हो रही है और मतलब फेस पे जच भी रहा है क्योंकि मेरी आईज़ थोड़ी बड़ी बड़ी बिग आईज़ है तो ये अच्छा लग रहा है। और आप लोग आईज़ कमेंट करना कैसे लग रही हूँ मैं। वैसे तो अभी नो मेकअप नो से क्योंकि मैं फेस वॉश करके आई हूँ और मैं भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो ये देखो आईज़, ये ग्लो किस चीज़ का है मैं बताऊँ आप लोग को। ओनली एंड ओनली वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करोगे, अच्छी डाइट खाओगे, हेल्दी चीज़ें खाओगे तो आप हेल्दी ही रहोगे। मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़ की, बट आप लोग के लिए मुझे करनी है थोड़ी सी मेहनत। आप लोग को थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें बतानी है ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। तो गाइस जो लोग मेरे चैनल नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अटेंडेंस ज़रूर लगाना, दिस इज़ मैंडेटरी एनीवेयर। क्योंकि आप अगर जॉब भी करोगे तो अटेंडेंस ज़रूरी है, आपको अटेंडेंस के बेसिस पे ही सैलरी मिलती है। और आप कहीं भी जाओगे, आप तो जिम में भी अटेंडेंस लगाना होता है, तो हर जगह अटेंडेंस मैंडेटरी है। तो सेम चीज़ मेरे यूट्यूब पे भी अटेंडेंस मैंडेटरी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अटेंडेंस लगाओ और मुझे सपोर्ट करो गाइस, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग ऑनबोर्डिंग, मतलब मैं जब ऑनबोर्डिंग अपडेट डालती हूँ ना तो लोग ऐसे बैठे रहते हैं, अच्छा मैम का ब्लॉग आ गया ऑनबोर्डिंग से, आप देखते हैं। बहुत लोग तो मुझे ये कह रहे थे, अरे तू जो बताती है अपडेट देती है तेरे को कहाँ से पता चलता है। तो मैंने, ये तो बात की बात है ना, ये चीज़ें मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती, ये तो मेरे, मैं क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, कहाँ से, ये तो गाइस राज है, राज ये नहीं बता सकती। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली ऑनबोर्डिंग अपडेट। जैसे कि पता है मैंने अपनी डेट अनाउंस किया था दो ब्लॉग, एक ब्लॉग के पहले। तो देखो डेट अनाउंस है कि सच्चाई है कि उस डेट पर होगा, बट मैंने आपको ये भी बोला था कि बल्क में नहीं होगी, जो पहले से पेंडिंग पड़ी है ऑनबोर्डिंग उनकी होगी। फिर ये हायरिंग स्टार्ट करेंगे ना जब तब बल्क में होगा, वो हायरिंग अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि अक्टूबर नवंबर इनका फाइनल मैक्स है, कम्प्लीटली बल्क में हायरिंग करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहना, अक्टूबर नवंबर से आप लोग की बल्क में होगी। लेकिन उससे पहले जिनका पेंडिंग पड़ा है काफ़ी टाइम से, उनका अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगा। उनका मतलब जिनकी भी इनकम्प्लीट है प्रोसेस, उनकी कंप्लीट हो जाएगी इन लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में। और गाइस तो देखो इसमें बहुत सारे रोल हैं, जीटी रोल है, टेक भी है, फ्रेशर्स है, एक्सपीरियंस है, सर्विस लॉ है। अभी अब तो ये प्रोजेक्ट का रोल भी निकाल रहे हैं कि किस डोमेन में चाहिए, किस प्रोजेक्ट से, सॉफ्टवेयर है, हर एक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है और हर एक लोकेशन वाइज है। तो उस लोकेशन वाइज जो फील्ड है तो क्या किस किस फील्ड में मतलब ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी 25th से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अभी बीच में मेरा एक ब्लॉग देखा होगा कि सर्विस नाउ से रिलेटेड मैंने डाला था, सर्विस नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट अभी चल रहा है। ये बीच में एक पोस्ट डाले थे लिंकडिन पे डाला था। तो मुझे किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा था, मैम आप तो कह रहे हैं ऑनबोर्डिंग फ्रीज है बट यहाँ तो हायरिंग निकल रही है। तो मैं सोचे अरे यार ये कैसे इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं जाके वो चेक की, फिर उनका प्रोफाइल चेक किया, फिर मैंने देखा वो सिर्फ़ और सिर्फ वो रोल के लिए है, सर्विस नाउ रोल के लिए था। तो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने फिर मुझे वापस से सॉरी बोला, उसके बाद कह रहे कि मैम सॉरी मैंने देखा ना। देखो ये प्रोफाइल इनको वहाँ पे नीड होगी, सर्विस नाउ का प्रोजेक्ट आया होगा या फिर सर्विस नाउ में बंदी कम होगी वहाँ पे नीड होगी, तो वो अपलोड किए थे। बट जो फ्रेशर्स की हायरिंग है, पीछे मैंने एक और वीडियो शूट किया था जो फ्रेशर्स की हायरिंग है, तो मैं देखो जैसे मैं ऐसे में जॉब कर रही हूँ तो वो प्रेफरेंस डालते हैं, मतलब आप किसी को रेफ़र कर सकते हो जॉब के लिए। तो मैं सोची, मैं देखती हूँ, पहले भी मैंने रेफरेंस दिया था बट इस बार रेफरेंस के लिए तो मैं चेक की, मैंने ब्लॉग में भी डाला है, रेफरेंस नहीं था, सिर्फ 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए रेफरेंस था, बाकी सबके लिए नहीं था। तो मैं फिर मैं सोची अगर ये बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, अगर नहीं किया सबको लगेगा झूठा अपडेट, तो मैं सबके साथ ये चीज़ शेयर की। क्योंकि अगर हायरिंग होती है गाइस तो सर्विस डेस्क L2 लेवल L1 लेवल पे बल्क में हायरिंग होती है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली एक्सटर्नल सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, बहुत रेयर केसेस प्रोजेक्ट हैं जो आपको सॉफ्टवेयर का मिलेगा, आपको डेवलपर का मिलेगा, आपको डोमेन का मिलेगा, बहुत रेयर।
मोस्टली सपोर्ट का प्रोजेक्ट ज़्यादा ये ले आ गई है एक्सेल में, या फिर हर जगह यही है। तो इसीलिए अभी हायरिंग फ्रीज थी इतने टाइम से, बट ये सितंबर से जो स्टार्ट की हायरिंग, तो ये जो 20 सर्विस नाउ वाले जो है ना, सर्विस नाउ की प्रोफाइल ये स्टार्ट कर दिए, इनका भी 25th से ही स्टार्ट होगा। तो जो भी इस रोल से हैं, जो भी देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, अगर आप शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। तो इनकी हायरिंग 25th से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट है, हायरिंग नहीं ऑनबोर्डिंग। जिनका पेंडिंग पड़ा है उनका होगा, जिनका पेंडिंग नहीं है, जिनका सिर्फ हायरिंग हुए तो उनका भी टाइम लगेगा। जिनका मतलब 70-80% हो रखा है तो उनका हो जाएगा ज्वाइनिंग, उनकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी गाइस। तो ये सर्विस नाउ से रिलेटेड था। वैसे सेम टैग भी जो बेंच पे मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका होगा, और फ्रेशर्स जो हायर अप भी उनका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। ये टैग भी GT और सर्विस नाउ, ये तीन का कंफर्मेशन है, और एक्सपीरियंस वाले का तो साथ में हो, उनका तो होते अभी भी हो रहा है उनका ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक्सपीरियंस देखो, बहुत लोग आते हैं तो बहुत लोग जाते भी हैं, तो एक्सपीरियंस वाले जितने लोग जा रहे हैं तो उतने लोग आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हायरिंग हो रही है। तो गाइस आप लोग ऑनबोर्डिंग से तो बहुत खुश हो जाते हो, बहुत हैप्पी हो जाते हो, ब्लॉग देख के बहुत प्यार भी देते हो, सो थैंक यू सो मच। बट जो बल्क में ऑनबोर्डिंग होगी वो नवंबर से होगी, मतलब नवंबर से पहले अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अभी अगर कहीं और जॉब ट्राई कर सकते हो ट्राई कर लो। इतना दिन वेट करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, काफ़ी समय हो जाएगा वेट करना। तो देखो कहीं और TCS में भी सपोर्ट का प्रोजेक्ट बहुत है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह भी है। तो ये अपडेट था ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड। बाकी ऑनबोर्डिंग से और कुछ अपडेट होता मैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखूँ, आज का ब्लॉग इतना से ही। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से, देखो मैं आप लोग को अपनी सिस्टर अपने ब्रदर अपने मतलब कलीग ऐसे समझाती हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड हो कोई भी चीज़ें। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत टाइप की, बहुत सारी लड़कियाँ जो झेलती है, बट मैं वो सब चीज़ें मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी कल्चर, आपकी लाइफ। आप अगर हैप्पी हो तो हर जगह चीज़ें मैनेज हो जाती है, अगर आप ही हैप्पी नहीं हो तो दिक्कत होता है। तो चलिए ये सब तो बात की बात है। अगर आप लोग को कोई भी सपोर्ट, बाकी मैं सबका कॉमेंट्स कर रिप्लाई करूँगी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। तो क्लियर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री राम।